हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 बहुत पास में आ गई है और ऐसे में स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि कैसे स्टडीज करना है। तो मैं एक एक्सपीरियंसिव स्टूडेंट को लेके आया हूँ, मतलब इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि इन्होंने 2-3 ड्रॉप दे रखे हैं, तो इनसे आपको पता चल सकता है कि क्या क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हेलो, क्या नाम है आपका? अंतरा। अंतरा, कितने ड्रॉप आपने दिए थे? मैंने 3 ड्रॉप दिए। तो क्या वजह थी आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया? कंसिस्टेंसी सबसे मतलब सबसे मेन रीज़न तो यही था कि स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है कि पढ़ना है, फिर स्टार्ट आते आते एग्जाम आते आते फिर वो कंसिस्टेंसी रह नहीं पाती है। तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाना चाहिए? कंसिस्टेंसी को बना के रखना चाहिए, जैसे कि सारे टॉपिक जिस दिन आपको टीचर्स करवा दे उसी दिन आप उसको प्रिपेयर कर लें, उसके क्वेश्चंस कर लें, और मतलब किसी भी टॉपिक्स को आप छोड़ते हुए चलेंगे हम ये बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसको साथ में लेते हुए चलें। और फिर आप अगर पीछे का मतलब बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में सिर्फ आगे आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का कोई रिविजन नहीं रहता है। सबसे मेन रिविजन भी करते चलिए और आगे का भी करते चलिए। टेस्ट एनालिसिस को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो? टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको अपना ओवरऑल रिपोर्ट मिलता है और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही है, क्वेश्चंस करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ें पता चलती है। टेस्ट एनालिसिस, जैसे टेस्ट हुआ उसके बाद स्टूडेंट्स एनालिसिस नहीं करते तो क्या कितना इंपॉर्टेंस रहता है उस चीज़? एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने टेस्ट का बताया है कि टेस्ट से आपको आपका पूरा ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो एनालिसिस करने पर पता कर सकते हो कि आपका कहाँ पे वीक पॉइंट है और आप कहाँ बेटर कर सकते हो और आपको कहाँ ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये सब चीज़ें आप एनालिसिस में देख सकते हो। आपकी प्रिपरेशन टाइप पे टोटल इसकी कोई 5 मिस्टेक्स बताइए जो आपने की थी आपके टाइम पे। मेरे टाइम पे तो फर्स्ट मेरा कंसिस्टेंट सीए था, फिर ओवरऑल रिवीजन, फिर शॉर्ट टाइम पे मतलब कि कोविड का टाइम आ गया था तो सबसे ज्यादा तो ऑनलाइन लेक्चर्स हमने मिस किए थे, इतनी अभी याद आ रही मुझे। और रिवीजन भी नहीं किया होगा आपने? नहीं, रिवीजन मेरा नहीं हो पाया था पूरी तरीके से। एंड सिलेबस कवरेज भी नहीं हो पाया होगा? सिलेबस कवरेज किया था बट वही ये बात ये थी कि कोविड आ गया था तो कोविड के चलते फिर वही इनकंसिस्टेंट कि कभी नेटवर्क आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये सब चीजें। ओके। एंड फिजिक्स आप पढ़ते रहे नहीं? फिजिक्स में मेरा अच्छा नहीं है, मतलब फिजिक्स वीक था आपका बहुत, तो एक रीजन हम वो भी मान सकते हैं। तो मतलब आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स करना चाहिए क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स गेनिंग होते हैं। फिजिक्स में हमारे टीचर्स बोलते थे कि मोस्टली फार्मूला बेस्ड आते हैं तो फार्मूला बेस्ड आप सारे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के 540 मार्क्स बनते हैं तो हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़े और सिर्फ यही दो सब्जेक्ट पढ़े तो ये पॉसिबल है? नहीं प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल सारे जितने भी मतलब ओवरऑल 700 टोटल 720 टोटल आउट ऑफ 720 लेके आते हैं बच्चे तो उसमें रैंकिंग बहुत लो हो जाती है अगर आप सिर्फ फिजिक्स को छोड़ के सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पे ध्यान देते हैं। मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चलना चाहिए और फिजिक्स को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, फिजिक्स को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट जो जो आप सब्जेक्ट्स में वीक हो वो तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।